Thank you.
करते हैं सब आयोजन पूर्ण और कैसे करना है पूछ लीजिएगा। गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा कुछ लोग 24 को रखते हैं, 25 को रखते हैं, पूर्णिमा तो 25 को है, लेकिन पूर्णिमा और एकम साथ पूर्णिमा टूट गई है, इस चतुर्दशी को पूर्णिमा रखते हैं कई लोग, तो वो अपने किसी दिन वो कैसे ही हो क्या करना वो थोड़ा आप लोग सोच लीजिए। पिछले सप्ताह एक बहुत विशिष्ट व्यक्ति हमारे कैंपस में पधारे, जयपुर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल एवं विश्वविद्यालय है, एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल का एक विश्वविद्यालय है, उसके संस्थापक और पूर्व चांसलर डॉक्टर स्वर्णकार यहाँ आए हैं। उस व्यक्ति को मिलके मेरे को ये लगा कि कुछ एक विशिष्टता है इस व्यक्ति में। बहुत साल पहले मेरा उनके विश्वविद्यालय में जाना हुआ, मैं वहां देख के मुझे एक विचार मन में था कि यार इस विश्वविद्यालय का नाम उन्होंने महात्मा गांधी कैसे रखा है, इसका क्या कनेक्शन है। जब रविवार को वो पधारे तब मुझे पता चला कि उनके परिवार में उनके पिताजी और उनके चाचा जी अहमदाबाद में वहां साबरमती आश्रम में ही कार्यरत थे, उनके चाचा जी और गांधी जी के बड़े अनुयायी थे, गांधी विचारधारा के इनका पूरा परिवार समर्पित है, इसीलिए इन्होंने ये निर्णय लिया कि जब विश्वविद्यालय बनाया या कॉलेज उससे पहले बनाया तो उसका नाम महात्मा गांधी पे रखा। इतने बड़े व्यक्ति का इतने सादगी पूर्ण तरीके से यहाँ आना और हम सब लोगों से इतना स्नेह के साथ सादगी पूर्वक सबके साथ मिलन हुआ, एक एक चीज इन्होंने यहाँ इस कैंपस की देखी, बड़े भाव विभोर हो गए, बड़े खुश होके इन्होंने एक व्याख्या कहा कि ये ब्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वरदानी संस्थान है ये, और मैं यहाँ आके अपने आप को धन्य मानता हूँ। आने का तो मुख्य कारण हम लोग उनसे सलाह ले रहे थे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल कैसे चालू करें और क्या करना चाहिए, और उसमें उनकी भागीदारी के लिए हम आमंत्रित कर रहे थे। पर खास बात जो मुझे एक देखने को मिली कि अभी भी इस देश के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सही पैमाने में सेवा करने के उत्सुक हैं। अधिकतर लोगों के लिए मान्यता है कि वो सिर्फ पैसा के लिए ही चिकित्सा के क्षेत्र में आए हैं, और ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे सब लोगों के सामने आते हैं जिससे हमारे ये जो मान्यता है ये पुष्ट हो जाती है। और फिर अचानक कभी एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में जो इस मान्यता को तोड़ देता है, और पुनः हमारा जो एक चिकित्सक जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो सेवा का भाव है उसके प्रति श्रद्धा को पुनः जीवित कर देती है। ऐसे ही व्यक्ति को के रूप में मैंने डॉक्टर स्वर्णकार को देखा। मुझे इस बात का दुख भी हुआ
कि डॉक्टर सोनकार जैसा व्यक्ति पधारे, और क्योंकि यहाँ लॉकडाउन था, विद्यार्थीगण है नहीं, तो आज मंगलवार को अगर आम हमारी प्रार्थना होती तो शायद पूरे संस्थान को वो संबोधित करते और उनके अनुभव का, उनके विचारों का हम सब लोगों को लाभ मिलता। शायद स्वामी जी की इच्छा रही तो आगे चल के ये कभी न कभी होगा। सीखने लायक चीज है कि जो व्यक्ति ने अपने इस शरीर यात्रा में बहुत छोटे स्केल से चालू करके आज इतने बड़े विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिया, उसके अंदर इतनी ह्यूमिलिटी, इतनी सादगी और बड़े मतलब छोटी से छोटी चीज। आयुर्वेद कॉलेज में आप गए तो वहां हमारा जो नए क्लासरूम में जो सिटिंग अरेंजमेंट देख के पलाथी मार के बच्चे वहां बैठ के पढ़ रहे हैं, इनको बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाल के और तुमसे पूछा कि मैं फोटो ले सकता हूं क्या। हमने कहा स्वागत है, तो उन्होंने उसका फोटो और वीडियो लिया। देखिए इस व्यक्ति का इस आयाम पे पहुंचने के बाद भी नई चीज कोई सीखने का, नई चीज ग्रहण करने का इस उम्र में भी इतनी ललायकता। अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ा सा आदमी पढ़ लिख जाता है फिर उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, कोई बात समझाना मुश्किल हो जाता है। वो मानता है कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं दुनिया। और यहां ये व्यक्ति है जिसने इतनी बड़ी कॉलेज विश्वविद्यालय खड़ा कर लिया इतनी विकट परिस्थिति में, छोटी छोटी चीजों के लिए वो इतना ललायक है। मेरा उनसे मिलने के बाद मन हुआ कि प्रार्थना में उनके बारे में सब लोगों को बताऊं ताकि उन लोग उनके व्यक्तित्व से हम सब लोग प्रेरित हो सके और हम लोग कुछ सीख सके। हम कोशिश करेंगे कि वो कभी यहाँ पधार के सब लोगों के साथ भी उनका मिलना हो। आज जो एक मुद्दे के ऊपर जो चर्चा करना है वो है स्त्री पुरुष की समानता। आदिकाल से लेकर आज तक ये जो मुद्दा है स्त्री पुरुष की समानता, इसको सारे विचार ढूंढने में लगे हुए। इसका बिंदु क्या है समानता का, ये पकड़ने के लिए सारे फिलोसोफर, सारे दर्शन शास्त्री, सारे दार्शनिक लोग, ऋषि मुनि महात्मा पीर फकीर सब लोगों ने कोशिश की अपने अपने तरीके से इसको बताया भी है और बड़ी ईमानदारी से बताया। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई मंशा खराब थी। हर संप्रदाय में उनका अपना अपना संविधान या धार्मिक ग्रंथ होता ही है और उसके अंदर भूरी भूरी इस बात के ऊपर जिक्र है कि पुरुष का रोल क्या है समाज में, परिवार में, और स्त्री का रोल क्या है। आधुनिक जो संविधान आए दुनिया में उनके अंदर भी इस बात का खूब जिक्र है, खूब चर्चाएं, और दुनिया भर के देशों में लगभग हर रोज आप अखबार टीवी कुछ भी खोल लीजिए तो आपको कोई ना कोई जगह पे इस बात की चर्चा मिली जाएगी। ये करोड़ों लाखों करोड़ों साल की मानव जाति की खोज है
स्त्री पुरुष की समानता का बिंदु क्या है, और अथाह प्रयास इसके लिए किए गए। और सच्चाई ये भी है कि आज तक ये पहचान में नहीं आया, और स्त्री पुरुष की समानता व्यवहारिक रूप में समाज में आज तक कभी घटित नहीं हुई, इतने अथाह प्रयासों के बावजूद। क्यों घटित नहीं हुई? क्योंकि स्त्री पुरुष की समानता का जो बिंदु है वो सही पैमाने में आइडेंटिफाई नहीं हुआ। जो पुराने विचार जितने भी थे सारे संप्रदायों का, जिनको हम आदर्शवाद बोलते हैं, उनके अधिकतर लोगों का कि स्त्री और पुरुष दोनों ईश्वर की संतान है, और यही आधार बताया गया उनकी समानता का, समानता का बिंदु ये बताया गया। पर इसको जब फैलाया गया तो अलग अलग संप्रदायों ने स्त्री और पुरुष के जो कार्य है और उसके पीछे जो उत्पत्ति का कारण है वहां कुछ कुछ और बताया। दुनिया में ऐसी कई फिलॉसफी है जिनमें ये मान्यता है कि पुनर्जन्म या प्रारब्ध के घोर पाप करने से स्त्री के शरीर के अंदर आदमी व्यक्ति का जन्म होता है, और उसके कारण जो प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ती है स्त्री को, ये उसी का परिणाम है, ये मान्यता है। और कई संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, कई धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता अगर आपने शरीर स्त्री शरीर धारण किया हुआ है। आप कितनी भी साधना तपस्या कुछ भी कर लो, आपको मोक्ष नहीं होगा। उसका तरीका यह बताया है कि आप साधना करो स्त्री के रूप में, सेवा करो आप, फिर अगले शरीर यात्रा में आपको पुरुष का शरीर मिलेगा, तभी आपको मोक्ष होगा। इसी तरह अलग अलग तरीके से ये सब विचार लिखे हुए हैं। व्यवहारिक रूप में अगर आए तो इसमें बड़ा ही विचित्र सा एक गड़बड़ घोटाला कोई परंपरा में हम देख लें, कोई क्षेत्र की, तो वहां कई परंपराओं में यह था कि स्त्री का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, और उसी क्षेत्र के दूसरे जगह में पुरानी परंपरा मिलती है कि नहीं है। बहुत सी जगहों में बहु पत्नियों की परंपरा है, एक आदमी के बहुत सारी पत्नियां होंगी, और उसी क्षेत्र में एक पत्नी के बहुत सारे पति होने की भी परंपरा है। और ये पृथ्वी में हर जगह पे है, विधवाओं की पुनः शादी होना कई जगह पे वर्जित है, और उसी जगह पे वापस हो रही है। विदुर लोगों की शादी का प्रतिबंधित होना बहुत कम पाया जाता है, कोई परंपरा में इसका उल्लेख बहुत नहीं है। ये एक समझना पड़ेगा कि स्त्री और पुरुष क्यों है और इनका रोल क्या है। उससे पहले जो समझने की वस्तु है वो है परिवार। परिवार एक नैसर्गिक इकाई है, नेचुरल वस्तु है, ये मानवकृत नहीं है।
अभी तक की जो मान्यता है वो ये माना गया है कि ये मानव ने बनाया परिवार को। इसका प्रमाण क्या है कि मानव कृत नहीं है? उसका प्रमाण ये है कि हर व्यक्ति जिसका जन्म होता है वो किसी परिवार में ही होता है, वो परिवार उसको निर्वाह कर पाता है कि नहीं कर पाता वो एक अलग बात है, पर जन्म तो परिवार में ही होता है। और एक व्यक्ति के एक ही माँ होती है और एक ही पिता होता है, व्यक्ति जब पैदा होता है उससे पहले वो परिवार होता ही है तभी वो पैदा हो सकता है। ऐसा होगा ही नहीं कि वो परिवार बना हुआ नहीं और व्यक्ति पैदा हो जाए। जो विज्ञान के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी या ये लोग जो सब करते हैं उसमें भी पुरुष स्पर्म और स्त्री के जो अंडे हैं इनको किसी पुरुष और स्त्री से लेना पड़ता है, ये कृत्रिम रूप से नहीं बना पाते। खाली जो स्त्री शरीर के अंदर जो बच्चे का पोषण होता है उसकी जगह एक टेस्ट ट्यूब बना दी गई है जहां उसका पालन पोषण भरण हो सकता है। पहले जो हम इससे पहले हमको जो समझना पड़ेगा कि ये जो स्त्री और पुरुष ईश्वर की ही संतान है ये आधार बिंदु चला नहीं, इसका व्यवहारिक स्वरूप बना नहीं समाज के अंदर, जो सर्वसम्मत हो सबको स्वीकार हो। फिर एक नया विचार आया कि स्त्री और पुरुष की समानता को शरीर के रूप में किया गया। कैसे किया गया? कि जो काम पुरुष कर सकता है वो सारे काम स्त्री कर सकती है, यह आधुनिक विचारधारा में यही आधार है एंड वाइस वर्सा, कि जो स्त्री कर सकती है वो सारे काम। अब वहां आके थोड़ी असमंजस भी है, किसी ने बोला कि पुरुष को बोलो बच्चे पैदा करें तो बोला साहब संभव नहीं है। तो आधुनिक जितने भी समाज हैं उनमें मान धन पद रूप इन सब के आधार पर समानता खोजने का प्रयास किया गया। तो सारे देशों में सर्वे होता है कि इस तरह के इस लेवल के ऊपर जितने एग्जीक्यूटिव लोग हैं उसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है पुरुषों की कितनी है, और वो लगभग अगर बराबर है तो उस देश को बहुत बड़े नंबर मिलते हैं कि वाह 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 बहुत बढ़िया। आपके स्त्री पुरुष की समानता के लिए बहुत प्रयासरत है ऐसी एक अभी आज के दिन वाइड स्प्रेड एक मान्यता है। अगर संपत्ति जितनी भी है वो आधी आधी पुरुष और स्त्री के पास हो पूरे समाज में तो मानते हैं कि नहीं नहीं ये समानता आ गई। और जो भी अधिकार एक पुरुष को है वो सारे सारे अधिकार स्त्री को हो, और जो अधिकार स्त्री को है वो सारे अधिकार पुरुष को हो। अब ये जो शरीर के रूप में समानता का आधार के ऊपर तात्विक रूप में जो प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि दो स्त्री या दो पुरुष क्या शरीर के रूप में समान हो सकते हैं?
उत्तर आता है नहीं। तो बोला एक स्त्री और पुरुष समान कैसे होंगे भाई, जब दो स्त्रियां भी समान नहीं हो सकती। क्या पद सबको मिल सकता है? बोला नहीं मिल सकता पद। तो ये समानता का बिंदु कैसे हुआ? क्या सारे समाज के अंदर एक बराबर धन बटा हो, क्या ये न्याय है? इसके ऊपर तो बहुत सारा काम दुनिया भर में हो चुका है। कम्युनिस्ट लोगों ने यही सोचा कि सारा धन जो है सबके अंदर बराबर बांट दो, कम काम करे उसको भी उतना, ज्यादा काम करे उतना उसको भी उतना। वो मॉडल फेल हो गया। तो धन अधिक और ज्यादा होना कोई समानता का आधार नहीं बनता। न्याय संगत तरीके से जब तक धन का विभाजन हो रहा है, कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है उसको ज्यादा मिल गया, जो कम मेहनत करता है उसको कम मिल गया। अब ऐसे देखे जाए तो इस देश के अंदर इतने साधु संत हैं जो जंगल में बैठे, उनके पास धन बिल्कुल नहीं है, और उनको तो कोई तकलीफ नहीं, उल्टे बाकी जो लोग हैं उनसे ज्यादा खुश हैं और उनको चाहिए भी नहीं। आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, नहीं नहीं नहीं, समान होने के लिए आपको धन रखना ही पड़ेगा। आवश्यकताएं इच्छाएं भी अलग अलग है हर व्यक्ति की, तो ये आधार नहीं हो सकता। तो मध्यस्थ दर्शन में जो आधार बताया गया है स्त्री पुरुष की समानता का, वो ये है कि दोनों समान रूप से क्षमता रखने वाले हैं। क्षमता मतलब जागृत होने का अधिकार, और क्षमता जो है दोनों में समान है। स्त्री भी जागृत हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। स्त्री भी समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकती है और पुरुष भी समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकता है। स्त्री भी संबंधों का निर्वाह कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। और यही वो बिंदु है जिसके ऊपर स्त्री और पुरुष समान है। तात्विक रूप में ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे होगा? परिवार कैसे बनेगा? जैसे एक मूल्य है ममता, और एक मान्यता है कि ममता मूल्य सिर्फ स्त्रियों में ही होता है। ऐसा नहीं है, ममता मूल्य अधिक स्त्रियों में होता है। ये बात सही है कि बच्चा को 9 महीने अपने गर्भ में रख के और वो जन्मता है तो उसको अपने साथ रखती है, उसको स्तन से उसको दूध पिलाती है, उसका लालन पालन पूरा करती है, तो स्वतः ही नैसर्गिक तरीके से आवश्यकता के हिसाब से उनमें ममता मूल्य ज्यादा आता। पर ऐसा नहीं है कि ममता मूल्य सिर्फ स्त्रियों में होता है। तो उसका प्रमाण यह है कि जिन बच्चों की माएं छोटी उम्र में या जन्मते ही उनका शरीर शांत हो जाता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके पिता या कोई अन्य पुरुष ने उनका लालन पालन किया और वो बच्चे ठीक ठाक ही निकलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पुरुष भी वो कर पाता है, उसमें भी वो मूल्य की क्षमता है। कोई ऐसा मूल्य नहीं है, ममता मूल्य का मतलब है पोषण प्रदान मूल्य है, बालक का पोषण की तरफ देखना। पोषण खाली खाना नहीं है, हर तरीके का पोषण करना, उसको बोलते हैं ममता। तो
स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। तो पुरुष में क्या होता है ममता मूल्य के सामने, वो पितृत्व का मूल्य होता है, वो क्या है संरक्षण प्रदान है। संरक्षण माता भी दे सकती है, पिता भी दे सकता है, कोई स्त्री बहन भी दे सकती है, भाई भी दे सकता है, चाचा भी दे सकता है, चाची भी दे सकती है। और यही अगर हम बारीकी से इसको देखेंगे तो ये पता चलेगा कि स्त्री और पुरुष के अंदर संबंधों को पहचानना और निर्वाह करने का जो ताकत है वो समान है। फिर ये मुद्दा आता है कि स्वनारी क्या है, स्वपुरुष क्या है। परंपरा में ये माना गया कि एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर सकता है, जैसे हमने चर्चा की, उसको भी स्वनारी माना गया। और ये भी माना गया कि एक स्त्री ने कई पुरुषों के साथ शादी किया, उसको भी स्वपुरुष माना गया। तो इसको तार्किक रूप में देखने की आवश्यकता है। देखिए, एक पुरुष एक स्त्री के साथ रहेगा, ये तो आज के आधुनिक संविधान में मानने लगे। अब जो डिस्प्यूट है कि ये स्वनारी और स्वपुरुष जो एक एक पुरुष और स्त्री का है, ये एक घंटे का है कि पूरी शरीर यात्रा के लिए, उसके ऊपर डिबेट है। अगर प्रकृति में ये प्रावधान होता कि नहीं एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियों के साथ होता, या बहुत सारी स्त्रियों बहुत सारे पुरुष, एक स्त्री बहुत सारे पुरुष के साथ होता, तो ये जो हमारे अंदर बच्चे पैदा होते हैं उनका रेशियो 50-50 नहीं होता प्रकृति में। अगर हम लोग छेड़छाड़ नहीं करें तो आप देखेंगे कि समाज के अंदर स्त्री और पुरुष का जो रेशियो है वो लगभग बराबर ही रहता है। इससे ये समझ में आता है कि जो डिजाइन बना हुआ है प्रकृति का वो इसीलिए बना हुआ है। ऐसे कई जानवरों का उल्लेख है और उनको बहुत बारीकी से स्टडी किया गया है, जो लोग सारी जिंदगी एक ही पुरुष या स्त्री का के साथ रहते हैं, जैसे हंस है। भारतीय परंपरा में हंसों की बड़ी पूजा की जाती है, उनके लिए ये बहुत फेमस है कि हंस और हंसनी का जोड़ा आजीवन रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, और उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा भी तड़प तड़प के मर जाता है। और भी कई ऐसी जानवरों की जातियां हैं, एक वुल्फ की प्रजाति है जिसके लिए लेख है, हमारे बीसी साहब यहां बैठे हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो अधिक बता पाएंगे इसके बारे में। उनमें लगभग ये नहीं पाया जाता कुछ जानवरों की प्रजाति में, देखने को नहीं आया है कि स्वपत्नी और स्वपुरुष के अलावा कोई और धर्म का वो लोग पालन कर रहे हैं। इसको तर्क के आधार पे हम लोगों को समझना पड़ेगा और तार्किक रूप में इसके तर्क बना के हमको शिक्षा की विषय वस्तु के रूप में ये डालना पड़ेगा। कि आदमी और पुरुष, आदमी और पुरुष और स्त्री दोनों नैसर्गिक रूप में स्वनारी और स्वपुरुष का धर्म पालन करने के लिए ही बने हैं। हाँ, कुछ भौगोलिक परिस्थिति के कारण, कुछ
प्रॉब्लम के कारण इसमें विकृति आ सकती है। पर वो सामाजिक सामाजिक जो वहां के लोग हैं वो उससे निपट सकते हैं, धीरे धीरे वो पुनः वैसे ही आ जाएगा। और अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है, अब तो एक जगह का आदमी दूसरी जगह आराम से चला जाता है, ये मुद्दा भी अब रहा नहीं है। ये एक ऐसा बिंदु है कि मैं अक्सर जितनी बार कोई भी स्कूल कॉलेज के टीचरों से, प्रिंसिपलों से, वाइस चांसलरों से मैं चर्चा की है तो वो सब हाथ खड़े करते हैं, दुख तो बड़ा व्यक्त करते हैं पर अपने आप को असहाय बताते हैं कि साहब हमारे बच्चे सुनते नहीं है। तो कई लोगों ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया साहब हमारी खुद की औलाद नहीं सुनती, हम क्या बात करें। जो लोग थोड़े ईमानदार हैं वो बोल देते हैं कि तकलीफ अपनी। इस चीज को तार्किक रूप में कभी आधुनिक शिक्षा ने लिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मान्यता आधुनिक शिक्षा की यह है कि आदमी कामी, लोभी, धूर्त, चालाक, मकार है। ये मॉडर्न साइकोलॉजी का आधार है। अगर उसको भय और प्रलोभन से कंट्रोल नहीं किया गया तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे बहुत से तर्क इसके ऊपर बनने योग्य हैं जिनके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन, स्टडीज, पीएचडी, थीसिस, रिसर्च होने की आवश्यकता है ताकि ये जो लाखों 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 साल का जो मानव जाति की खोज है उसको हम